चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और चौंकाने वाले आंकड़े इस वक्त आपको बता दें, प्रदेश में 2 बजे तक की जो रिपोर्ट है उसमें 133 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जयपुर में 66, अजमेर में 44, टोंक में 7 और कोटा में 6, नागौर में 4, जोधपुर में 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर में भी 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो लगातार ये जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए इस वक्त हमारे संवाददाता लोकेश होला इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, 2 बजे की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक ये चौंकाने वाले आंकड़े 133 आंकड़े आ चुके हैं और सबसे बड़ी खबर जयपुर के लिए जहां पर ये आंकड़े अब बढ़ते ही जा रहे हैं, जयपुर और अजमेर। जी बिल्कुल आशीष, चौंकाने वाले आंकड़े लगातार अब सामने आ रहे हैं और अब प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में लगातार जो कोरोना पॉजिटिव है वो संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में बात करें तो जयपुर में आज 66 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, वहीं अजमेर में 44 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। इसी तरह लगातार जो संख्या बढ़ती जा रही है तो जयपुर में अब जो 723 कोरोना पॉजिटिव है वो अब तक सामने आ चुके हैं और अजमेर में जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या भी 103 हो चुकी है। जोधपुर में भी आज बात करें तो जोधपुर में भी आज कोरोना पॉजिटिव की संख्या 3 कोरोना पॉजिटिव संख्या वहां पर सामने आई है और वहां पर भी अब 279 जो कोरोना पॉजिटिव है वो सामने आ चुके हैं। ऐसे में लगातार जो प्रदेश के जो अन्य जिलों में कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो बढ़ती नजर आ रही है। जिस तरह से बात करें तो जो प्रदेश के 26 जिलों में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब तक बिल्कुल लोकेश, ये जो जयपुर के जयपुर में जिस तरीके से मामले बढ़े हैं वो कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ये मामले सामने आए हैं, इस बारे में अब तक कुछ जानकारी हासिल हो पाई है? जी अमित, जिस तरह से लगातार जो कोरोना का जो ग्राफ है जयपुर में वो चारदीवारी से बाहर निकलता नजर आ रहा है। अब चारदीवारी से बाहर भी कई ऐसे इलाके हैं वहां पर जो कोरोना हॉटस्पॉट बनते नजर आ रहे हैं और लगभग लगभग जयपुर के हर जो चारदीवारी के बाहर हर जो क्षेत्र है वहां पर कोरोना के जो पॉजिटिव केसेज है वो सामने आ रहे हैं। और जहां जहां कोरोना पॉजिटिव केसेज सामने आए, जिस तरह से बात करें जोटवाड़ा, मानसरोवर, वैशाली नगर और जो महावीर नगर, बनी पार्क, विद्यार्थी नगर और शास्त्री नगर, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं जो एक चिंता की बात बढ़ती जा रही है। हालांकि जो सेंट्रल टीम आई हुई है वो भी शहर का निरीक्षण कर रही है, जहां जहां कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं वहां जाकर वहां का निरीक्षण कर रही है। क्या कारण है ऐसा कि जो पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इन सब की मॉनिटरिंग कर रही है और उचित दिशा निर्देश दे रही है कि किस तरह से अब कोरोना संक्रमण जो संकट राजधानी जयपुर में बढ़ता जा रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। हालांकि राजधानी जयपुर में ही है, जोधपुर में भी अब कोरोना संकट बढ़ता नजर आ रहा है। अजमेर में जिस तरह से बात करें तो आज 44 जो मामले आए हैं वो भी एक बड़ी जो बात है वो कही जा सकती है, वहां भी चिंता का विषय है जहाँ पहले कोरोना पॉजिटिव। बिल्कुल लोकेश, क्योंकि पहले एक जयपुर ही था हॉटस्पॉट एरिया राजस्थान में, लेकिन अब जयपुर, जोधपुर, टोंक, भरतपुर और अजमेर भी, यानी लगातार हॉट स्पॉट की जो संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह से जयपुर के अलावा जोधपुर, अजमेर, टोंक, कोटा, भरतपुर, नागौर में भी बड़ी संख्या में लगातार कोरोना पॉजिटिव वो सामने है, वो भी एक चिंता का विषय बनता जा रहा है नागौर भी, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़ रही है उसी तरह से मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है। और आज एक और जो कोरोना पॉजिटिव की भरतपुर में मौत हुई है और अब जो कोरोना पॉजिटिव से अब तक मरने वाले प्रदेश में उनकी संख्या भी 27 हो चुकी है। हालांकि एक जो राहत की खबर यह है कि अब तक 328 प्रदेश में कुल 328 जो कोरोना पॉजिटिव थे वो ठीक हो चुके हैं, जो एक राहत की खबर कही जा सकती है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया लोकेश आपका।